हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो भाई हम लोग इस समय दादर स्टेशन पे खड़े हुए हैं भाई, लेकिन आपको मैं एक सीन बताता हूँ। हमारा ट्रेन 3:15 का है और मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ से मैं 12:30 की ट्रेन पकड़ने वाला था, लेकिन भाई वो लेट हो गई। वन थर्टी को एक घंटा ट्रेन लेट थी, मेरे को लगा आज हमारा ट्रेन छूट गया, अब हमको नहीं मिलेगा ट्रेन। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था, लेकिन बोला जाता हूँ अभी क्या करूँ, उम्मीद नहीं था मेरे को, लेकिन भाई कसम से भाई लेकिन मिल गई ट्रेन। नसीब अच्छी थी, मैंने लगता है पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए थे, इसके लिए आज मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। मस्त जोक मारा रे। हमारे साथ ये छपरी भी है। अपने जिगर को थामो के बैठो, थामो के बैठो। क्या लोग दे सकते हो, ये हमेशा लेट आता है और आज भी लेट आया है, ऑन टाइम आया है। ट्रेन निकलते निकलते 5 मिनट बचा हुआ है और ये इधर आके बच कर रहा है। पेमेंट कट हो जाएगी, ब्लॉक करके रिपोर्ट मार के ब्लॉक कर देते। गाइस कोई नहीं, अभी आप देख सकते हो हम लोग स्टेशन पे खड़े है और ये हमारी ट्रेन है। तो इस बार हमको एसी डब्बा नहीं मिला, इस बार हमको ये फॉलो करना बोल रहा हूं मैं। गाइस इसके अकाउंट को रिपोर्ट मार दो सब लोग, इसको रिपोर्ट मार के ब्लॉक कर दो, बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस इस बार हमको मुंबई से सिर्फ गुजरात वडोदरा जाना है, उसके आगे नहीं जाना, ज्यादा दूर नहीं है, रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए शायद प्रोडक्शन वाले ने कंजूसी कर दिया हम। हमारा शूट है जिस पर्पज के लिए जा रहा हूँ वही आपको बता देता हूँ। हम लोग शूट करने जा रहे हैं, कोई तो मूवी है बड़ी, तो उसका शूट करेंगे, आपको सब कुछ मैं दिखाऊंगा, बस आप लोग हमारी वीडियो में बने रहना। तो चलो फिर अभी ट्रेन को कुछ। तो गाइस आप लोग देख रहे हो पूरी ट्रेन खाली है और कसम से ये यूपी बिहार की ट्रेन रहती ना इतनी भसड़ मच जाती, इतनी गर्दी हो जाती ना, खड़े रहने के लिए जगह नहीं रहता और लोग गैस अलग छोड़ देते सांस लो फॉलो करो शेयर करो, बदबू मचा देते पूरी यूपी बिहार वाली ट्रेन में, लेकिन गुजरात की ट्रेन है जिसके लिए खाली है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हम लोग बहुत देर के बाद धानू स्टेशन पहुंचे हैं और वो देखो गाइस, वो देख रहे हो लड़की से भीख मांग रहा है, लड़की को बोल रहा है कि मैडम मेरे को भी कुछ खिला दो ना, वो देख रहे हो आप लोग। हाँ भाई अभी आना मत, चल इधर जा, उधर जा, उधर जाना अभी। जब हम लोग गांव जाते हैं ना कभी कभी, मतलब हम लोग अकेले रहते हैं ना, तो हम लोग टिकट नहीं लेते और तब हम सोचते हैं कि हमको सीट मिल जाए, हम लोग आराम से जा सके। और इस बार जब हमारे पास सीट है तो हम लोग सोचते, हम लोग अंदर सीट पे हमारे बैठे नहीं, इधर दरवाजे पे खड़े होकर नजारा देख रहे हैं, मतलब ये देखो इसको बोलते हैं डिफरेंट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। A few moments later. So, guys, हम लोग पहुंच चुके हैं गुजरात, जो है ये स्टेशन है आनंद स्टेशन और इसके कुछ दो स्टेशन आगे ही है हमारा अहमदाबाद, मतलब हम लोग अहमदाबाद के पास में ही है। तो चलो फिर हम लोग स्टेशन तो पहुंच गए, अभी बाहर जाएंगे, गाड़ी आएगी हमको, तो हम लोग जाएंगे अपने लोकेशन जो होटल है हमारा। बट गाइज मैं हर बार जहाँ आता हूँ ना मैं बस इतना सोचता हूँ कि हमको होटल अच्छा मिले, होटल अच्छा रहे भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए, होटल अच्छा मिले, क्योंकि रात को ऐसा मजा आ जाएगा और अभी जाके पेट पूजा करेंगे, बहुत भूख लगी है। देखो हमारी ट्रेन जा रही है और ये स्टेशन कुछ हमारा यहाँ से, अभी हमको वहाँ से बाहर निकलने का है। ये जो आनंद स्टेशन है ना गाइस, स्टेशन का नाम आनंद है, तो एकदम शांत है, एकदम रात में पब्लिक भी नहीं है, तो बाकी स्टेशन पे आप देखोगे ना एकदम भसड़ मसी रहती है, लेकिन एकदम खाली है, अच्छा लग रहा है गाइस। यहाँ पे ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी और मेरा जवान भी फिसल रहा है, तो ठंडी की वजह से होता है थोड़ा थोड़ा। रात को आनंद जंक्शन का ये सीन नहीं, ये वो रात को एकदम सन्नाटा है ये सामने, रात को हम लोग चल रहे रोड पे यार, मतलब यही हर बार ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग पहले पहुंच जाते हैं और गाड़ी बाद में आती है, तो हमको एक घंटा वेट करना पड़ता है गाड़ी का, अभी जाके हम लोग को थोड़ी देर वहाँ पे रुकना पड़ेगा, तब गाड़ी आएगी फिर जाएंगे बैठ के होटल में। एक तो पहले ठंडी लग रही है यार बाहर, मतलब मेरे को लगा नहीं था यहाँ पे इतनी ठंडी होगी, लेकिन यहाँ पे अब ठंडी लग रही है मेरे को, धीरे धीरे लग रही है भाई। यहाँ के दुकानें आप लोग आनंद के पूरा सिटी यहाँ पे देख रहे हो, खाना बट रहा है, तो मुझे यहाँ पे खाना देख के मेरे को बहुत और ज़ोर से भूख लगी, क्योंकि मैंने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था, हम लोग सिर्फ घाई घाई में निकल गए तो मैंने खाना भी नहीं खाया, तो अभी और भूख लग रही है, तो होटल पे जाके सबसे पहले खाना ही ठूसूंगा।
गाइस फाइनली हम लोग हमारे होटल पे पहुंच चुके हैं। होटल पे पहुंचते ये देखो ये अंकल यहाँ नीचे सो रहे हैं। वाह मेहनत करके आए। और ये हमारे रिसेप्शन पे अंकल। तो चलो फिर जो जिसका इंतजार था हम लोग आपको पहले रूम दिखाते हैं। गाइस मैं सही में सोच रहा था रूम अच्छा मिले लेकिन कसम से रूम बहुत मस्त मिला है। तो ये देखिए ये हमारा रूम अंदर। और आते ही आपको सबसे पहले ये देखिए रूम, ये आपको बाथरूम दिखा दिया मैंने, ये है बाथरूम हमारा। और ये देखिए भाई 1, 2, 3 लोगों का बेड। और ये सामने टीवी और ये सामने शीशा है आप देख सकते हो। भाई सही में यार रूम बहुत मस्त मिला। रूम कैसे मिला प्रिंस बता। भाई रूम बहुत अच्छा मिला है। कॉल आया आप जाओ यहां से। भाई सही में रूम और बेड तो भाई फुल फुल क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश क्या है वो जो जंपिंग जपांग यार बहुत मस्त बेड है। थोड़ा रिलैक्स करते खाना पीना खाते और फिर आपको मिलते कुछ। आज वैसे तो दिन नॉर्मल ही गया, अब देखते हैं कल सेट कैसा होगा, शूट क्या होगा हमारा। ए तुषार मेट तू मार कह देगा। भाई ये देख रहे हो देख रहे हो पढ़ाई लिखाई की उम्र में इन लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हो। ऐसे लोग की जिंदगी बर्बाद है गाइस, इसके लिए बोलता हूँ पढ़ाई लिखाई करो आईएएस वाईएएस बनो। ऐसे लोग की जिससे जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ रहे और दूसरों को भी नहीं बढ़ने दे रहे। इन लोग के नाम पे कमेंट करो, मोदी को टैग करो, ऐसे लोग को कम्प्लेंट जेल में डालो, जेल में डालो इन लोग को, ऐसे लोग को। लेकिन गाइस सही में फिर बता रहा हूँ रूम बहुत अच्छा मिला। ये देखो हमारा रूम आप ये देखो ऊपर मेरे को लाइटिंग बहुत पसंद आई है रूम का। एसी भी भाई मैं भी सोच रहा हूँ मेरे घर में एसी लगा लूँ लेकिन मेरे घर में अभी थोड़ा पैसा नहीं है ना, तो सोच रहा हूँ इधर से चोरी करके लेके चला जाओ एसी बैग में डाल के। तो ये महंगा एसी दिख भी रहा है मेरे को। और फैन तो है मेरे घर पे, फैन की जरूरत नहीं है, सामने एलईडी टीवी है। सोच रहा हूँ ये टीवी भी लेके चला जाओ, टीवी भी नहीं है ना हमारी टीवी, उसको बार बार ठोकना पड़ता है बाजू बाजू से उसको बाजू बाजू से ठोकना पड़ता है ना। बाकी कुछ नहीं ये देख रहे हो। और वो कबर्ड भी महंगा लग रहा है मेरे को, कबर्ड भी सोच रहा हूँ लेके जाऊँ मैं, लेकिन जान दो मम्मी गुस्सा करेगी बोले कि कितना चीज लेके आए। तो गाइस आगे हमने हमारा टीवी चालू कर दिया है और सबसे भाई बहुत मस्त गाना इस साल का बहुत बढ़िया जो मेरे को फेवरेट है आप ये लोग आपको मैं दिखाता हूँ। कॉपीराइट आ जाएगा लेकिन आप लोग के लिए मैं वो भी चलूंगा। बस गाइस इससे ज्यादा आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इस पे कॉपीराइट आ जाएगा, तो मेरे को जो पैसा आएगा वो कंपनी वाले शाहरुख खान के पास जाएगा, तो मैं नहीं चाहता शाहरुख खान का बैंक बैलेंस बढ़ जाए, कुछ मेरे पास भी आए तो इसके लिए नहीं दिखा सकता सॉरी। तो गाइस हम लोग जब भी होटल में आते हैं तो ये जरूर करते हैं हम लोग। तो आओ दिखाता हूँ मैं आप लोग को स्टंट कैसे किया जाए। आज मैं आपको दिखाऊंगा स्टंट कैसे करते हैं, बहुत मुश्किल है, आप लोग घर पे ट्राई मत करना, ये सिर्फ स्पेशली होटल वालों के लिए ताकि उनका बेड टूट जाए। तो आओ मैं आपको सिखाता हूँ स्टंट कैसे करते हैं, बहुत मुश्किल है गाइस बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको आपका भाई सिखाएगा, बहुत आसान है। ये देखो गाइस इसको बोलते फ्लिप मारना। आप लोग अगर सीखना रहेगा तो मेरा नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनकमिंग आउटगोइंग बंद है तो कॉल मत करना। सो गाइस फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है, अभी खाना खा के थोड़ा नीचे गया था घूमने के लिए, तो फिर बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। आज पूरा थक गया ट्रेन में, आपने देखा हमारा सफर था जो था, ट्रेन में तो मैं सो ही गया था असल में, जब ये जब हम लोग चढ़े थे उसके बाद मैं सो गया था क्योंकि यार सर दर्द होने लगा था सब। तो कोई नहीं बाकी चलो फिर अब जाते हैं हम लोग सोने के लिए। बाकी अब कल तो हमारा शूट चालू हो गया, कल असली मजा आएगा कल के दिन, आज तो इतना मेरे को नहीं लग रहा कुछ एंटरटेनमेंट हुआ जो था ट्रेन में था आप लोग ने देखा हमारा। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलते। जय हिंद जय भारत माता की जय। जेब में था चिल्लर साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे।